Hello friends, welcome back with Pragya in episode number 12. So today my theme is very creative handmade card and now the time comes. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10th एंड 11th एपिसोड में मैंने आप लोगों को बहुत ही क्रिएटिविटी वाले जो कार्ड्स बताए थे, फोल्डेबल एंड मैजिकल कार्ड्स, एंड दोनों कार्ड को मिला के मैंने इस कार्ड को बनाया. दिस इज़ वेरी बिग कार्ड एंड आई यूज़ वेरी क्रिएटिविटी काइंड ऑफ थिंग एंड आई यूज़ मटेरियल्स. सो आई यूज़ दिस डुअल टेप, स्केच पेंस, पेंसिल, सीज़र. दिस इज़ डिज़ाइनर सीज़र एंड ये क्विलिंग रिबन है. क्विलिंग रिबन्स मैंने यूज़ किए हैं. स्पार्कल ग्लू है ये एंड दिस इज़ ब्रश एंड दीज आर स्पार्कल कलर्स. मैंने इसमें एक पेपर कटर यूज़ किया हुआ है जिसकी हेल्प से मैंने ये छोटे छोटे बटरफ्लाइज, क्यूट से बटरफ्लाइज काटे हुए हैं. आई यूज़ दिस स्केल. ये मैंने एक थ्रेड यूज़ किया है. दिस इज़ वेरी स्पार्कल काइंड ऑफ स्केल. आई यूज़ दिस पर्ल्स, वेरी स्टिकी पर्ल्स. दीज आर स्टिकी पर्ल्स एंड आई यूज़ दिस पेपर फ्लास. आई यूज़ दिस आइसक्रीम स्टिक्स. दिस इज कलरफुल आइसक्रीम स्टिक. आई यूज़ दिस वन शीट. आई यूज़ दिस इज स्पार्कल शीट एंड मैंने इसमें हैंडमेड शीट यूज़ की हुई है, क्रीम कलर की एंड रेड कलर की. ये नॉर्मली मार्केट में आपको बहुत ही ईजीली प्रोवाइड हो जाएगी. मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सा कार्ड बनाया हुआ है. सो नाउ द टाइम कम्स. सी दिस कार्ड, आई मेक दिस कार्ड विद दैट टू डिफरेंट क्रिएटिव कार्ड्स जो मैंने अर्लियर एपिसोड में आपके साथ शेयर किए थे. इसमें मैंने एक रिबन यूज़ किया हुआ है, वन सैटन रिबन. आई यूज़ दैट हैंडमेड शीट. हैंडमेड शीट से मैंने एक नॉर्मल वे में कार्ड बनाया हुआ है. लेट्स ओपन दिस कार्ड. नाउ द टाइम कम्स. सो दिस इज द कार्ड एंड वन बाय वन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ मैंने इसमें कैसे कैसे यूज़ किया हुआ है. सो जो हैंडमेड शीट जो हमने क्रीम कलर की ली है उसको मैंने हार्ट शेप में काटा है. हार्ट शेप में कट करके मैंने सिर्फ इतना पोर्शन उसे कट किया है. देन इसको नॉर्मली मैंने, यू नो, इट्स लाइक अ बुक. मैंने इसमें पेपर फ्लावर्स लगाए हुए हैं. बटरफ्लाई जो मैंने आपको बताई थी कट करके हमने यहाँ पे लगाई हुई है. देन मैंने ये जो आपको बताया था क्विलिंग रिबन्स, इसका यूज़ करके ये फ्लावर्स बनाए हुए हैं. नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इस फ्लावर के बारे में, इट्स अ वेरी क्यूट एंड वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग, तो मैं आपको इस फ्लावर के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी. आई यूज़ दिस हैप्पी बर्थडे टैग. जो बर्थडे केक्स होते हैं, कई बार होता है मेरे घर में बर्थडे केक्स आते हैं, नाइफ आता है, तो मैं उन्हें संभाल के रखती हूँ. तो आई यूज़ दैट हैप्पी बर्थडे टैग हियर एंड सेम वे मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है. इसमें मैंने एक मैसेज राइट किया हुआ है बर्थडे से रिलेटेड. हियर मैंने, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये ऑर्डर किया हुआ है उसके हस्बैंड के लिए. आई मेड दिस कार्ड ऑन हिज बर्थडे. सो आई पेस्ट हिज फोटो हेयर. यहाँ पे मैंने उसको फ्रेम का लुक दिया है मैच स्टिक को मैंने पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे. सो इट्स अ वेरी क्रिएटिव काइंड ऑफ थिंग. नॉर्मल मैंने जो चार्ट शीट लिया था उसे एक बुक के शेप में फोल्ड किया था. पहले तो फर्स्ट मैंने इस तरीके से फोल्ड किया, देन इस तरीके से फोल्ड किया. उसके बाद आई यूज, यू नो, मैनी क्रिएटिव काइंड ऑफ थिंग्स हियर. सी, सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे किस तरीके से मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई हैं. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक वन हैंडमेड शीट, जो ऑरेंज कलर की हैंडमेड शीट है. आई यूज्ड सेम पर्पल कलर हैंडमेड शीट, हार्ट शेप की कट करके उसको यहाँ पेस्ट किया हुआ है. देन आई पेस्ट हिज फोटोग्राफ हेयर विद हिज वाइफ एंड आई मेड सेम, यू नो, फ्रेम विद मैच स्टिक्स. एंड अगेन मैंने यहाँ पे जो आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ की हुई थी, ग्रीन कलर की आइसक्रीम स्टिक्स पेस्ट की हुई है. यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक पेस्ट कर दी है. यहाँ पे एक डिज़ाइनर पेपर कट करके डिज़ाइनर सीजर से नॉर्मल सा पेपर पेस्ट किया हुआ है. देन आई मेड द स्क्विलिंग डिज़ाइन.
सो नॉर्मली जो क्वेलिंग डिज़ाइन बनता है इट्स विद दिस दिस क्वेलिंग रिबन्स. इसके थ्रू मैंने इसके सीजर से नॉर्मल सा मैंने फ्लावर बनाया है. इन सेम वे आई विल गिव यू एग्जाम्पल हाउ आई मेक दिस. नॉर्मल सा मैंने स्टिकी यू नो in this way I made this flower. It's a very cute flower. आप इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं. इससे रिलेटेड मैं आपको काफी आइडियाज दूंगी इन नेक्स्ट एपिसोड. इन दिस वे दिस फ्लावर्स कम आउट. देन आई ओपन दिस एंड आई मेड दिस डिजाइन. सो इसमें मैंने सिंगल क्वेलिंग यूज़ किया हुआ है. आप इसमें डबल क्वेलिंग यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने डबल क्वेलिंग यूज़ किया है, यहाँ सिंगल, और इसको इस तरीके से शेप दे दिया है. राइट नाउ द पॉइंट गॉट. ओके नाउ सेकेंड थिंग, एक बहुत ही क्यूटी सी मैंने यू नो बर्थडे डायरी यहाँ पे बनाई हुई है. बर्थडे डायरी के लिए मैंने हैंडमेड शीट यूज़ की हुई है, जिसको मैंने नॉर्मल सा शेप दे दिया है. इसके साथ मैंने एक और हैंडमेड शीट ली है. चारों का पेपर कट एक साइज में कट करके फोटो पेस्ट किया हुआ है. इसमें मैंने मैसेज लिखा है. इस तरीके बहुत ही क्यूट सी ये डायरी बन गई है. एंड नॉर्मल जो थ्रेड मैंने बताई थी आपको, ये स्पार्कल थ्रेड, मैंने इसमें दो होल करके इस थ्रेड को इस डायरी का शेप दे दिया है. इस एनवलप के लिए मैंने एक नॉर्मल सी हैंडमेड शीट ली थी, उसको इस शेप में कट किया. देन आई पेस्टेड ओवर हियर. थोड़ा सा ट्रिल करके पेस्ट करिएगा ताकि यहाँ पे थोड़ा गैप बचे. तो ये पेस्ट किया हुआ है. यहाँ मैंने बटरफ्लाई पेस्ट करी है जो मैंने कटर से कट की थी. नेक्स्ट आइडिया, दिस इज अ यू नो आई यूज दिस कार्ड. तो ये वही कार्ड है जो मैंने आपके साथ पिछले एपिसोड में शेयर किया था. तो उसको मैंने एक क्रिएटिव लुक दे दिया है इन दिस वे. यहाँ पे मैंने फोटोज पेस्ट करे हैं, कुछ बर्थडे मैसेज लिखे हैं. सो इट्स अ वेरी स्मार्टी कार्ड. इसका डायरेक्शंस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. सो इट्स अ वेरी क्रिएटिव. इसके लिए मैंने एक नॉर्मल से स्टैंड काइंड ऑफ थिंग दिया है जो इसके अंदर इसको टैग करेगा. तो इट लुक्स वेरी क्रिएटिव. सेकेंड आई यूज दिस कार्ड ऑल्सो. इसका भी वीडियो, इसकी डायरेक्शंस मैंने आपके लास्ट एपिसोड में शेयर किए थे. दिस आई मेड इन दिस वे. सो इट्स अ वेरी ट्रिलिंग कार्ड, फोल्डेबल कार्ड. इसमें मैंने फोटो पेस्ट किया हुआ है, मैसेज लिखा है, यहाँ पे फ्रेम दिया हुआ है मैच स्टिक में. राइट एंड इसके लिए भी मैंने एक स्टैंड बनाया हुआ है. यहाँ पे मैंने डुअल टेप लगाया है, यहाँ पे भी डुअल टेप लगाया है. क्वेलिंग रिबन्स दो डिज़ाइनर के लिए मैंने यहाँ पे क्वेलिंग रिबन्स लगा दिए इसे अटैच करके. उसके ऊपर एक और मैंने स्पार्कल शीट को पेस्ट कर दिया विद सेम डुअल इन दिस वे. राइट इसके नीचे डुअल टेप है. तो ये एक इसका स्टैंड बन गया है. तो ये कार्ड को बहुत ही क्रिएटिव लुक दे रहा है. इन सेम वे दिस इज न्यू आइडिया. एक चार्ट शीट को मैंने इस तरीके से शेप में कट किया हुआ है. देन यहाँ पे मैंने इसको कट किया हुआ है. कट करने के बाद मैंने इसमें 3rd June लिखा है. 3rd June को हिज बर्थडे. एंड मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक पेस्ट करी हुई है. Here also I use calendar. So इसमें मैंने pearls paste किए हुए हैं. Normal से pearl paste कर दिए हैं. Sketch pen से इसमें dates दे दिए हैं. Calendar बना दिया है. Ice cream stick से इसका frame दे दिया है. So this card is very beautiful and very creative kind of thing. So you can make this at your home only. If you want to order some cards, I'll make card for you guys. I'll give you more ideas. I will give you, you know, more things on this. Next episode में मैं आपके साथ आती हूँ with new idea of this quilling ribbon. How I made this flower in a very easier way and quick way.
So subscribe my channel, like my channel, and please email me if you have any issues, anything you want to share with me, guys. So email me on pragyadixit261990@gmail.com. ऊपर एक लिंक आ रही है, आप उसको क्लिक करिए. सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय.